महिंद्रा XUV 700 लॉन्च होते ही सभी के दिलों पर छा गई और जिस प्राइस सेगमेंट पर जो फीचर लेकर आई थी, मतलब सच में कमाल सा कर दिया। लेकिन गाइज, महिंद्रा XUV 700 की कुछ ख़राब बातें भी चल रही थी मार्केट पर कि इसके बैक पर आपको प्लास्टिक बैक मिलता है, यानी कि प्लास्टिक रियर बॉडी मिलती है, जो रियर का बूट है उसे प्लास्टिक का बनाया गया है। और कहीं ना कहीं लोगों को इस पर विश्वास नहीं भी हो रहा था, तो कहीं पर विश्वास हो भी गया था। और इस चीज़ के विश्वास को बढ़ाने के लिए हाल ही पर महिंद्रा XUV 700 की AX7 यानी कि 7 सीटर की टॉप वेरिएंट की एक्सीडेंट हो गया। अब ये एक्सीडेंट किस तरह से हुई, कोई गाड़ी आकर ठोक दिया गया, या फिर कहीं ये गाड़ी पीछे बैक करते हुए ठोक गए, या फिर क्या एक्सीडेंट हुआ, ये खुलासा नहीं हुआ। बट ये एक फुटेज फेसबुक पर अपलोड की गई थी, जहां पर लिखा हुआ था फर्स्ट एवर एक्सीडेंट या फिर फर्स्ट एवर डेंट ऑफ महिंद्रा XUV 700। भाई मतलब इसको देखकर सच में चौंक गए थे, मैं भी चौंक गया था और आप भी चौंक जाओगे कि एक नई कार जिसे लॉन्च तो किया गया लेकिन फिलहाल इसे इसकी बुकिंग तक चालू नहीं की गई है। ऑफिशियली ये किसी भी के पास कमर्शियली अवेलेबल भी नहीं है और इसकी एक्सीडेंट भी हो गया। मतलब भाई ये सच में काफ़ी चौंकाने वाला बात है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे की बॉडी काफ़ी बुरी तरीके से ठुक चुकी है, ज़्यादा कोई खासली डैमेज नहीं आई है। हो सकता है कि ये किसी बाइक वगैरह टक्कर पर आ गई हो, या फिर कोई पोल पर जाके ठुक गई हो, या फिर कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी दुर्घटना तो नहीं है। बट हाँ, महिंद्रा XUV 700 की एक्सीडेंट हुई और ये कुछ हादसा आपके सामने है। अब इसके बारे में मैं क्या बोलूँ, कुछ कहने मतलब कुछ बोला नहीं जा सकता है। आपके मन पर महिंद्रा XUV 700 को लेकर अगर कुछ भी शब्द हो तो भाई दो शब्द जरूर कमेंट कीजिए कि आप महिंद्रा XUV 700 को लेकर क्या सोचते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर फिलहाल अभी टेस्टिंग भी नहीं हुई और भाई यहाँ पर टेस्टिंग इसने ऑफिशियली करवा ली, भाई मतलब क्या किया जाए अब इसका। सो गाइज, इस वीडियो को बनाने का कोई भी मकसद नहीं था, बस आपको बताना था कि महिंद्रा XUV 700 जिसको आप फिलहाल मतलब खरीद भी नहीं सकते हैं, पैसे लगा कभी नहीं खरीद सकते, उसकी एक्सीडेंट भी हो चुकी है और ये हाल भी हो चुका है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम आपसे एक और नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।